नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों? ये जो आप वीडियो में डिश वॉश लिक्विड देख रहे हो, बहुत ही गाढ़ा पेस्ट टाइप का डिश वॉश लिक्विड है। ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया था कि उन्हें इस टाइप का डिश वॉश लिक्विड का फॉर्मूला चाहिए, और उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन उनकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई हो रही थी। तो उनका कहना था कि थोड़ी कम कॉस्टिंग में ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, करीब 15 रुपये के अंदर तक भी ये प्रोडक्ट अगर रेडी हो जाता है तो अच्छी बात है। तो आज का वीडियो बस इसी बेस पे, ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि भाई इस तरीके का गाढ़ा पेस्ट डिश वॉश हम कैसे बना सकते हैं। तो इसको शुरू करेंगे अभी दोस्तों। इसी के साथ एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि 16 अक्टूबर से ट्रेनिंग शुरू हो रही है, कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग होगी, और ये इसको आप कम्प्लीटली ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे सीख सकते हो। जब तक आप सीखने जाओगे आपकी ट्रेनिंग चालू रहेगी। तो जिन लोगों को यार मैन्युफैक्चरिंग सीखना है, पूरी प्रोसीजर सीखनी है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब चलते हैं हमारे वीडियो पे, जिससे हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। दोस्तों आज का ये प्रोडक्ट 500 ग्राम के बैच में मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो 500 ग्राम का मैं बैच बता रहा हूँ, आप उसका जितना भी आपको बड़ा बनाना है उतना मल्टीप्लाई कर देना। तो सबसे पहले 60 ग्राम पानी लेंगे, ठीक है? इसमें 60 ग्राम पानी ले लिया है। इसमें डालेंगे 15 ग्राम एसिड स्लरी। तो अभी हम इसमें 15 ग्राम एसिड स्लरी मिक्स कर देते हैं। मेजरमेंट ध्यान में रखना। तो 15 ग्राम हमने इसमें एसिड स्लरी ले लिया है। अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। मिक्सिंग प्रोसेस पे आपको खास फोकस करना है, और मिक्स करने के बाद आपको और प्रोडक्ट को ठंडा होने के लिए छोड़ देना होगा। अगर आप बड़ा बैच बना रहे हो तो आपको ये इतना मिक्स करके करीब इसको 1 से 2 घंटा ठंडा होने छोड़ देना होगा। एसिड का घोल ठंडा होने में थोड़ा समय लगाता है, और कास्टिक उससे भी ज़्यादा समय लगाता है। तो इसमें मैंने कास्टिक की लाई ले ली है। कास्टिक की लाई इसमें 10 ग्राम लगेगी, मतलब कि 2.5 ग्राम कास्टिक लगेगा, बराबर है? क्योंकि 1 किलो कास्टिक में आपको 3 किलो पानी डाल देना है। जितना जो कास्टिक लोगे उससे 3 गुना आपको पानी ले लेना है। तो इसको डाल दिया इसके अंदर। अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। मैंने कास्टिक की लाई का भी मेज़रमेंट पहले बताया हुआ है, और पीएच लेवल करने का भी मैंने मेज़रमेंट बताया हुआ है। अब चाहो तो चेकआउट कर सकते हो वीडियोस को भी। तो अभी इसको कर दिया है अच्छे से मिक्स। ये हो चुका है हमारा पीएच लेवल, इसका मैंने मेज़रमेंट पहले भी बताया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत है इसको पीएच बताने की। मेरे पास मेज़रमेंट इसका है। अभी 500 ग्राम का बैच है, तो इसमें लेंगे 370 ग्राम पानी। तो ये 370 ग्राम पानी ले लिया है, और इसके अंदर डाल देंगे हम इसको। जब आप इसका पीएच मेज़र कर दो, उसके बाद करीब इसको 7 से 8 घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ देना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। मैं ज़रा इसको अच्छे से निकाल लेता हूँ। तो उसमें से मैंने पूरा निकाल लिया है, पानी में डाल दिया है। अब पानी में थोड़ा सा पहले इसको मिक्स कर देंगे। जब आपका ये इतना मिक्स हो जाए, उसके बाद आपको इसमें डालना है 30 ग्राम SLES। 30 ग्राम, 1 किलो के बीच में आपको 60 ग्राम SLES लगेगा, आधे किलो के बीच में 30 ग्राम हम डालेंगे SLES। तो हमने 30 ग्राम SLES डाल दिया है। अब इसको कर देते हैं मिक्स। जब आप इसमें SLES डालो तो ये ऊपर बहुत ज़्यादा फॉर्म बन जाता है। तो अगर आप बड़ा बैच बना रहे हो तो वो फॉर्म जब तक नीचे ना बैठ जाए तब तक उसको छोड़ देना है, क्योंकि SLES पानी में घुलने में समय लगाता है, और जब तक ये फॉर्म नीचे बैठ जाएगा उतना समय उसको पानी में डाइल्यूट होने में लगेगा ही लगेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। अधिकतर लोग क्या करते हैं, SLES डालने के बाद तुरंत सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि भाई लिक्विड पतला ही है, और सॉल्ट की मेज़रमेंट उनकी बढ़ जाती है। तो फिर प्रोडक्ट रेडी होता है, उनके बाद उनका जो प्रोडक्ट होता है वो पतला हो जाता है।
तो हमने इसमें SLS डाल दिया है 30 ग्राम, ठीक है। अब ये जो फॉर्म बन चुका है इसको नीचे बैठने देना पड़ता है, लेकिन ये छोटा सा बैच है तो मैं तुरंत ही बता रहा हूँ, आप इसको टाइम दे देना, अगर टाइम नहीं दोगे तो प्रोडक्ट पतला हो जाएगा। 30 ग्राम SLS डालने के बाद आपको इसमें 15 ग्राम CAPB डालना है, कॉक एमिडो प्रोपाइल बिटेन, CAPB आपको 15 ग्राम डालना है। तो हमने 15 ग्राम CAPB डाल दिया है, और फिर से इसको कर देते हैं मिक्स। तो अभी भी ये थोड़ा ठीक हुआ नहीं है, थिकनेस इसकी कम है, ठीक है। और इसमें हमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सॉल्ट बहुत ही कम लगेगा इसमें, सॉल्ट मात्रा हमें 5 ग्राम तक ही लगेगा, 5 से 10 ग्राम, 500 ग्राम के बीच में। लेकिन पहले हमने जो 15 ग्राम CAPB डाला था उसको थोड़ा और बढ़ा देंगे, CAPB कर दिया हमने 25 ग्राम टोटल, ठीक है। अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। जैसा कि मैंने बताया था, पानी में SLS डाइल्यूट होने में समय लगाता है, तो आपको भी ये प्रोसीजर ध्यान में रखनी है, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। अब इसमें हम डालेंगे 5 ग्राम सॉल्ट, पांच ग्राम हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। अब इसको कर देते हैं मिक्स। तो भाई अब यह हो चुका है बहुत ही ज़्यादा ठीक, क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा है कि चम्मच जो मैं जिसे मिक्स कर रहा हूँ उसको थोड़ा मुझे प्रेशर देना पड़ रहा है नॉर्मली पानी के मुकाबले। तो अगर आप इसको टाइम दोगे फॉर्म नीचे बैठ जाने तक का तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका फॉर्म जब नीचे बैठ जाएगा उसके बाद आप इसमें मिक्स करोगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन चुका है बहुत ही गाढ़ा, जिस टाइप का जो पहले वीडियो में बताया हुआ है उस टाइप का ये बन चुका है, और बहुत ही कम प्राइस में ये रेडी हुआ है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना होगा, जो भी ये फॉर्म जो ऊपर आप देख रहे हो ये सब नीचे बैठ जाए, तब तक के लिए हमें छोड़ देना होगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि आपके एरिया के हिसाब से जो पानी आता है उसमें अगर ये इस मेज़रमेंट में ठीक नहीं हुआ है जितना चाहिए पेस्ट के हिसाब से, तो आप इसमें 1 से 2 ग्राम तक आप सॉल्ट की मात्रा बढ़ा देना, बहुत ज़्यादा मत बढ़ा देना वरना आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो ये इसका कंप्लीट मेज़रमेंट है, और जब इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए पूरा, तो ये बिल्कुल ही जो अब ये धुंधले टाइप का जो दिख रहा है ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें इसमें किसी एक छोटे डब्बे में कलर और परफ्यूम को थोड़े से पानी में मिक्स कर देना है, उसके बाद फिर उस पानी को इसमें डाल देना है, जिससे कि आपका कलर और परफ्यूम दोनों ही पानी में कंप्लीटली डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।